हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब लोग। हम निकल चुके हैं एक न्यू ट्रिप पे जो कि बहुत ही एक्सलेंट एंड अमेजिंग होने वाली है। ये ट्रिप मेरी बहुत ही मोस्टली मैं इस ट्रिप से जब भी इस ट्रिप के लिए निकलता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्रीम ट्रिप्स होती है। हमेशा मैं साल में कम से कम 4 बार इस ट्रिप पे चला जाता हूँ, क्योंकि इनके बिना मेरा जीवन सच में अधूरा है। और देखिए, मेरे जब जब मैं किसी अच्छी ट्रिप पे निकलता हूँ तो ऊपर वाला बहुत मेहरबान हो जाता है और ऑटोमेटिकली मौसम इतना क्लियर कर देता है कि मेरे को कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं हो मेरे कोई से ब्लॉग में या फिर मेरे किसी भी ट्रिप में। मेरे फेवरेट ब्लॉगर का वैसे भी मेरे कार के अंदर उनका ब्लॉग चल रहा है और देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी इस टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और मैं भी इस टाइम ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो दोनों हम ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मेरे को रास्ते में मिल जाए। एनीवेज, बात यह है कि जब तक आप बारिश को इन्जॉय कीजिए और मैं निकलता हूँ अपने सफ़र पर। बोलो मात अम्बे की जय। गाइज, आप सोच रहे होंगे कि यार क्या मैं पूरी वैष्णो देवी की यात्रा क्या अपनी कार से करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लान में कुछ चेंज है, क्योंकि अभी हम खड़ी करेंगे रेलवे स्टेशन पर अपनी कार और वहाँ से जाएंगे अपनी बुक ट्रेन में जो कि हमने पहले से ऑलरेडी बुक कर रखी है, क्योंकि मुरादाबाद से मेरे को कोई भी ट्रेन डायरेक्ट वैष्णो देवी के लिए नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि दिल्ली से क्यों नहीं कर लें, क्योंकि मैं नवरात्र से 2-3 दिन पहले ही वैष्णो देवी की यात्रा करने निकल पड़ता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे को बहुत कम भीड़ मिलती है और दर्शन बहुत ही स्मूथली हो जाते हैं। गुफा में कम से कम 10 मिनट या फिर 8 मिनट मेरे को पंडित जी रुकने देते हैं और ज़्यादा भी भीड़ भाड़ नहीं होती है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने का तो नवरात्र से 2-3 दिन पहले ही आप अपनी ट्रेन की बुकिंग कराइए और माता रानी के दर्शन बहुत ही सुकून पूर्वक आप पा सकते हैं, जिस तरह से मैं पाता हूँ। क्योंकि यार देखो, जीवन में एक बार तो माता रानी के दर्शन करने चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लाइफ में बहुत ही गंदी गंदी जगह जाते हैं लेकिन जो सुकून वैष्णो देवी पर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। जैसे ही आप वैष्णो देवी पे जा रहे हैं और चरण पादुका को पार करेंगे तो आपको कुछ तरह इस तरह का स्कैम आपको भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरी एक फैमिली है, इसमें बीवी हैं, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, ये लोग आपको रोकेंगे और बोलेंगे हमारा एटीएम कार्ड खो गया है, पर्स चोरी हो गया है, हमें नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है, हम पे पैसे नहीं है, कुछ मदद कर सकते हो। तो आप इनके झांसे में बिल्कुल भी ना आएँ, इन लोगों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये लोग एक बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर धोखाधड़ी का। जो लोग हमेशा आपने देखा होगा, ये अक्सर ऐसी फैमिली मिल जाती है, भाई ऐसा मत करो यार, ये धर्म के स्थल पे आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि हम लोग ही इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप लोग इन लोगों को देख रहे हैं तो इन लोगों को इग्नोर ना करें, इनकी शिकायत नीचे पुलिस स्टेशन में करें या फिर ऊपर पुलिस स्टेशन में करें। वैष्णो देवी पर आके कोई अमीर कोई गरीब कोई भी ऐसा नहीं होता, सब एक समान ही होते हैं। देखो किस तरह से लोग अपना थकान मिटाने के लिए आराम से फ़र्श पे लेटे हुए हैं, बस यहाँ से कंबल फ्री में मिल जाते हैं, जितने आपको कंबल लेने हैं आप ले सकते हैं और आपको जहाँ मर्जी जगह मिले आप वहाँ पर लेट जाइए और थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बाद आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 बजे के बाद ही मंदिर बंद होता है और उसके बाद पूरे 24 घंटे खुला रहता है। ये नवरात्र की तैयारी चल रही है, अभी 1-2 दिन बाद यहाँ पर पूरा डेकोरेशन हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा जो आपने कभी अपनी लाइफ में देखा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर
बहुत ही महंगी डेकोरेशन कराते हैं नवरात्र में। सुबह के बज रहे हैं 7:45। हम पूरी यात्रा रात में ही चल दिए थे क्योंकि हम सोच रहे थे वहाँ पे जगह तो मिलेगी नहीं, सुबह ही नीचे अतकुआरी पे हम रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सो जाएंगे। लेकिन यार भाभी जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई तो हमने सोचा कि यार नीचे जाके होटल में ही एक ही साथ रेस्ट कर लेंगे, तो दोपहर में उठेंगे भी नहीं, जितना चल सकते हैं चल लें। लेकिन हम कंटिन्यूसली चलते रहे तो पता ही नहीं चला कब चरण पादुका आ गई और हम नीचे बाणगंगा के रास्ते होते हुए अपने नीचे दरबार के गेट पे पहुंच गए। अगर आप और हाँ एक मेन बात और बता दूं, अब पर्ची का कोई भी सिस्टम वैष्णो देवी पे नहीं है तो वहाँ पे डिजिटल कार्ड मिल रहा है। डिजिटल कार्ड जैसे आपकी यात्रा पूरी हो जाए तो इस बॉक्स में आप उसको डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप डिजिटल कार्ड गलती से अपने घर या होटल में लेके चले गए तो आपको और या फिर आपके घर वालों को एक अलर्ट भेज दिया जाएगा कि ये यात्री वापस नहीं आया है या फिर इसके साथ कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, ये आपके वैसे भी किसी काम में नहीं आने वाला, तो आप यहाँ पे अपना कार्ड छोड़ दीजिए। जय हो माता की। सुबह सुबह का कितना खूबसूरत नज़ारा है वो देखो, टॉप पे वो मंदिर नहीं है, वो है अतकुआरी। आप सबसे पहले जब यहाँ से पैदल जाएंगे तो सामने मंदिर जो दिख रहा है ना ऊपर चोटी पर, चलो मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो है अतकुआरी जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है।